थोड़ी सी दूर बची हुई है जहाँ पे इंद्रधनुष बना हुआ था गद्दी भेड़ पालक। तो भाई यहाँ पे मामा जी खाना खा रहे हैं, मामा जी मेरे इधर जिद कर रहे हैं बर्तन साफ करने। मामा जी वो मामा श्री मैं ये वाला स्लीपिंग बैग यूज कर रहा हूँ। बट हमारे कैसी है भाई खा रहे हैं वो अपना माल हम अच्छा ही बता दूध भी डाला है तो यार सामने के पहाड़ों पे ना बस थोड़ी सी धूप बची हुई है वो देखो ऊपर, बाकी कुछ भी नहीं। ये मैं कुछ सब्जी लेके आया हूँ, बॉल आ गया किसी का और मैंने लात मार दी वाली बॉल को, बोलेंगे कैसा आदमी है। जहाँ पे आपको थोड़ी सी धूप दिख रही है ना सामने, वहाँ पे इतना बढ़िया रेनबो बना हुआ था। फोकस कर ले भाई फोकस, क्या हो गया उस वाली जगह पे ना वो बना था रेनबो बना था बहुत बढ़िया इंद्रधनुष। अभी हम जा रहे हैं घर वाली तरफ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में, आज के नए वीडियो में। भी शाम का टाइम है, शायद से 6:30 बज रहे हैं और अभी हम ढालपुर ग्राउंड में हैं। आज मेरे मामा जी आए हुए हैं घर से, वो जा रहे हैं सरच वाली तरफ, मतलब कि कुल्लू में हूँ मैं अभी और यहाँ से आगे मनाली से पल्ली वाली तरफ अटल टनल होते हुए सरच जो लाहौल में पड़ता है लास्ट वाली जगह है हिमाचल प्रदेश की, उसके आगे तो फिर परे को लेला ही वो एरिया पड़ता है। तो अभी हमने सब्जी ले ली है, अभी हम जा रहे हैं रूम वाली तरफ। यहाँ से पैदल ही जाएंगे, रोज़ की तरह मैं पैदल ही जाता हूँ शाम के टाइम अपने रूम वाली तरफ। यहाँ से शायद से 1-1.5 किलोमीटर है अपना रूम यहाँ से दूर। और बाकी भाई शाम के टाइम तो मतलब हर रोज़ की तरह आज भी वैसा ही मतलब माहौल है यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं खेलने के लिए, लोग बैठे हुए हैं और मतलब मौसम भी बढ़िया ठंडा सा, तो बस ऐसा कुछ है। और ये ऐसा जैसा माहौल है भाई अभी ढालपुर ग्राउंड का, और ये सामने के पहाड़ों का माहौल। सामने के पहाड़ पे थोड़ी सी धूप बची हुई है जहाँ पे इंद्रधनुष बना हुआ था। और ये हमारे मामा जी जा रहे हैं। मामा जी कई सारे लोग मिले हैं मेरे मामा जी को वीडियो के थ्रू, क्योंकि मामा जी वो हैं गद्दी भेड़ पालक, तो इनके पास मैं जाता रहता हूँ जंगलों में, इनके साथ काफ़ी मतलब वो चलती रहती है बातचीत। तो भाई अभी ना हम आ गए अपने रूम पे और अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। मैंने खाना वगैरह सब बना लिया हुआ है, जैसे मैंने आपको दिखाया मेरे मामा जी साथ में आए, तो मामा जी हम बैठे हुए और मैंने खाना वगैरह बना लिया, खाना खाएंगे हम। खाने में दिखाते हैं कि आज क्या क्या हमने बनाया हुआ है। तो यार हमने आज बनाया हुआ है खाने में दाल और चावल, वही जो मूंग की दाल रखी हुई मैंने, वो मेरे पास तीन दालें हैं, माहा है ये वाली दाल है मूंग की और चने दाल है। ये हमारे मामा जी लगे हैं खाना खाने, ये वो वाले मामा जी जिनके मैं बकरियों के पास डेरे में जाता हूँ, गद्दी लोग हैं ये। तो अभी खा लेते हैं खाना और फिर मामा घर से बहुत सारी रोटियां लेके आए, वो दिखाऊंगा मैं आपको। तो भाई यहाँ पे मामा जी खाना खा रहे हैं। मैंने ना अपने अंदर किचन वाली लाइट जलाई हुई है, बाकी मैंने कोई लाइट नहीं जलाई हुई है क्योंकि मामा के सर में दर्द हो रही, तो मैंने लाइटें बंद रखी हुई है, ये वाली लाइट भी बंद रखी है। और ये वाला बल्ब तो है भी, वो ये लट्टू नॉर्मल बल्ब, इसकी बहुत तेज़ लाइट होती है। और इस तरह के कुछ कपड़े टंगे हुए हैं यहाँ पे इस कमरे में, कपड़े लटकाने के लिए वो एक हैंगर नहीं है, यहाँ पे लगना चाहिए था, यहाँ जैसे लगता तो है ही नहीं। और ये कुछ एक सामान है जो मामा जी लेके आए थे। मामा जी खाना खा रहे हैं, मैंने खा लिया खाना। मामा जी ये दो मेरे लिए थाड़ू, मम्मी सुनो मेरी गल, अब देखना मामा जी बोलेंगे मैं खुद थाड़ू साफ करूँगा, थाड़ी साफ करूँगा। एक्चुअली मैं थाड़ी को हम थाड़ू बोलते हैं। मामा जी तू से अपना ये थाड़ू चूसा नहीं मरना ना, तो इसको आप कर दो साफ, बाकी फिर मैं खुद करूँगा। अभी मैं सारे बर्तन सारे क्या एक कुकर साफ करूँगा और ये थोड़े से चावल बच गए इसको ढक के रखना पड़ेगा, और ये थोड़ी सब्जी है सुबह की इसको निपटाना पड़ेगा, बाकी कूड़ा है इसको फेंकना पड़ेगा। और भी नहीं नहीं मामा जी, अरे मामा तुसे मामा जी मेरे इधर जिद कर रहे हैं बर्तन साफ करने। मामा जी उरले परले पड़ोसिया जाग गया ना, क्या फायदा तीना बंदे वीडियो देखने ना तीना बोना मामे भांजे फाइट लगी थी। वो मामा श्री इससे पहले नहीं नहीं मामा श्री ऐसे नहीं करते। मामा जी आप अपना बर्तन साफ करो ना, बाकी मैं खुद करूँगा ना, मैं रोज नहीं करता हूँ अपने बर्तन साफ, यार मामा मानते नहीं है। और भाई हमारे लिए मामा जी क्या क्या लेके आए हैं वो आपको दिखाते हैं। ये मामा जी हमारे लिए रोटियां लेके आए हैं, ऐसी तली हुई रोटियां। और ये मामा जी क्या बकरे, ये भाई बकरे हैं पर इसकी टुंडी मुंडी का कोई पता नहीं है, टुंडी कहाँ और मुंडी कहाँ है,
इसके अंदर वो है ड्राई फ्रूट वगैरह डाले हुए हैं, और ये तली हुई रोटी, ये तली हुई रोटियां हैं। ये वाली रोटियां मेरे मामा लेके आए हैं घर से, और ऐसी पता नहीं कितनी सारी, मतलब ये कोई 4-5 किलो 6-7 किलो रोटियां होंगी ऐसी ऐसी वाली। ये मामा जा रहे हैं अपने भेड़ बकरियों के पास, तो इनके इनकी कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी, उस कंपनी में दो इनके मुलाजिम हैं, दो वर्कर हैं इनके, तो उनके लिए भी खाना लेके जा रहे हैं। तो इस तरह की रोटियां लेके आए हुए हैं ये, अब खाएंगे तो आराम आराम से। अब दिक्कत क्या थी कि मेरा भी प्लान था मामा के साथ जाने का कि लाहौर स्पीति जाऊँगा मामा के साथ, बट क्या हुआ कि मतलब थोड़ा सा ऐसे बन नहीं पाया, टाइम नहीं मिल पाया जाने का, तो इस वजह से। बट अभी 19 के बाद शायद से मैं जाऊंगा, तो अभी देखते हैं कि आज क्या, आज है 17 तारीख, 17-18 का दिन है, 19 का दिन है, 20 को हम निकलेंगे यहाँ से अगर ऐसा प्लान हुआ मतलब। तो अगर मामा को लगा कि रुकना है मामा ने, अगर मामा ने चले जाना होगा तो मामा सुबह चले जाएंगे, और फिर मैं निकलूँगा 20 तारीख को यहाँ से, 20 को निकलूँगा। तो बस ऐसे है मामी, अभी हमें बर्तन मांजेंगे, बर्तन साफ़ करेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि फिर क्या होता है, बस ये थोड़ी सी सफाई करने को करेंगे। तो भाई अभी जितना भी काम था अपना ना, वो सब निपटा लिया हमने यहाँ पे, और अब हमने बिस्तर कर दिया यहाँ पे। मामा जी बोल रहे हैं कि मैं इसी वाली चटाई पे सोऊंगा, और मैं सोऊंगा इस वाले पे, मैं ये वाला स्लीपिंग बैग यूज़ कर रहा हूँ, बट हमारे पास एक और स्लीपिंग बैग है, बट मामा मना कर रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं ऐसे ही सोऊंगा। बोला बहुत गर्मी है यहाँ पे, जहाँ पे इनके घर है मेरा ननिहाल है ना, वहाँ पे बहुत ठंडा मौसम है आजकल, और जितने मेरे पास कभी मेहमान आते हैं ना, वो ऐसे ही सोते हैं मैट के ऊपर और स्लीपिंग बैग के साथ ही। तो बस अभी हम भी सो जाएंगे ऐसे, रात के 10 बज रहे हैं अभी, और सुबह मिलते हैं फिर आपको। मामा गुड नाइट। गुड नाइट।